क्लाउड पर, और हमने कुछ साल Amazon में काम किया, मैंने Microsoft में काम किया। मोस्टली स्टूडेंट्स जब हमारी इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है तो टेक कंपनीज होती है जहाँ पे हम जाके जॉब वगैरह कर रहे हैं। ऑल राइट गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं द ब्राइट साइड ऑफ कंप्यूटर साइंस। आप गली के छोटे छोटे बच्चे से पूछिए उसे क्या पसंद है इंजीनियरिंग में, तो वो बोलेगा कंप्यूटर साइंस। वो भी क्यों ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा है। हाय हाय बोलो, सच बोलो। वैसे एआई आ रहा है, रेसेशन आ रहा है, ले ऑफ आ रहा है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें निगेटिव चीज़ें हैं। ये आपको तभी इम्पैक्ट करेगी जब आप स्किल्ड नहीं होंगे या फिर आप बस टाइम पास वाले होंगे। क्या बात है सर। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आप स्किल्ड होंगे या फिर आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे तो आपको एआई का घंटा कोई चीज़ भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं एज ए ह्यूमन हमारे अंदर जो आइडियाज़, क्रिएटिविटीज़ और जो हम कर सकते हैं वो मशीन घंटा नहीं कर पाएगी। हाय हाय इतना सुकून। हाँ भाई कैसी लगी। दूसरे चीज़ में चले जाओ, लेकिन इंजीनियरिंग मत करो। ये सब निगेटिव चीज़ें हैं जो समाज में देखने को और सुनने को मिलती है। आप इसे अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनसे कुछ नहीं हो पाता, बस आपको डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। A few moments later. कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस लेके कुछ नहीं होगा, या फिर कहते हैं कि इंजीनियरिंग से कुछ नहीं होगा। एक बार इंजीनियरिंग करके तो देखो, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है लाइफ में ऐसे ही। क्योंकि इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक ए सुपर पावर, जिसके करने के बाद आप कुछ भी बन सकते हैं। पीओन से लेके आईएएस तक, गवर्नमेंट जॉब से लेके प्राइवेट जॉब, सब कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सब सुपर पावर है इसके अंदर। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वहीं अगर बात करें इसके ब्राइट साइड के बारे में गाइस, जो पहली चीज़ है कि इट्स प्रमोट रिमोट जॉब। आपको दुनिया में कहीं पर रहिए, अपने घर पर रहिए या फिर दूसरे किसी के घर पर रहिए, आप जंगल में रहिए या फिर पहाड़ों के ऊपर, मेरी तरह आप कहीं से भी जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं, दूसरों के अंडर काम कर सकते हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एक बार आप कोडिंग सीख जाते हैं तो आप फ्रीलांसिंग से लेके काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा। मीनवाइल जो दूसरी चीज़ है गाइस कि इजीली फिट फॉर वर्क, सिंपली आपको 2 से 3 महीने का इंटर्नशिप कराया जाता है, फिर उसके बाद आप किसी भी काम के लिए फिट बैठ जाते हैं। आप भी जानते हैं कि एज ए इंजीनियर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसके बाद भी हम कुछ भी कर सकते हैं। वेब डेवलपर से लेके गेम डेवलपर तक, एंड्रॉयड डेवलपर से लेके हम अपना ऐप बना सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी भी है, एज वेल एज रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, जहाँ से आप इजीली कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं और इजीली आप वहाँ पे हायर भी हो जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है गाइस कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंट जॉब। हाँ आपने सही सुना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बस आपको फुलफिलमेंट करना चाहिए उन चीज़ों को। मीन्स कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए और वैसी माइंडसेट होनी चाहिए कि वैसी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आप भी देखिए ना, आपको वही इंसान ना हायर करेगा जो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ को देख रहा हो या फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है, तो उसे जब आप फुलफिल कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। हाय हाय इतना सुकून। चौथी चीज़ है, इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है गाइस, कंटिन्यूअस चेंजेस एंड ग्रोथ। हाँ इस सेक्टर में आने के बाद गाइस काफ़ी ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ग्रोथ देखने को मिलता है। मीन्स कि आपको समय के साथ खुद के अंदर इम्प्रूव करते रहना होगा और खुद को आप स्किल करते रहना होगा। क्योंकि आप ही देखिए ना, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते जा रही है और चेंजेस आते रह रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जो पिछले टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दे रही है। हाँ भाई कैसी लगी। जो पांचवी चीज़ है गाइस कि इट इज स्टिल इजियर देन अदर कोर्सेज और स्किल्स। क्योंकि आप भी देखिए ना, जो और सब कोर्सेज हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस अगर आपका इंटरेस्ट एल्गोरिथम में है, मैथ में है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है और काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। यही रीज़न है कि कोई भी इंसान कोडिंग सीखना चाहता है वो बस 1-2-3 महीने में सीख जाता है। हाँ यहाँ पे बात रही दूसरे लैंग्वेज की, जैसे C++, पाइथन, ये तो इजीली आप सीख सकते हैं, लेकिन DSA में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि तभी जाके आपका जो सैलरी हाइक है वो भी इंक्रीज होता है और अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए काफ़ी क्रिएट हो जाती है। और FANG में भी इसका डिमांड रहता है, इसी कारण लोग प्रायोरिटी देते हैं DSA को। कैसी लगी छोटी सी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और आप एज अ फ्रेशर देख रहे हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हुई होगी। तो मिलते हैं जल्द, अपने लिए टेक केयर, बाय बाय।